जय हिंद दोस्तों, आप सभी YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BSF में निकली ग्रुप बी और ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इस वीडियो में हम आपके लिए इस भर्ती से रिलेटेड A to Z डिटेल्स देने वाले हैं, जैसे कि आपकी एज लिमिट क्या होगी, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, इस भर्ती के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मेल और फीमेल, और भी बहुत कुछ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो हम आपको वो नोटिस दिखा देते हैं जो कि BSF की तरफ से जारी किया गया है। ये है दोस्तों वो नोटिस और वैकेंसीज वाइज डिटेल यहाँ पर दी गई है, पूरा प्रोसीजर यहाँ दिया गया है। इस नोटिस के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप शिवा ऑनलाइन क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम आपके लिए इस भर्ती से रिलेटेड जो भी मेन मेन पॉइंट हैं उनको सरकारी रिजल्ट वेबसाइट की ओर से अपलोड किए गए नोटिफिकेशन से हम आपको बताएंगे। तो 16 जून 2022 के लिए 9:53 पर ये सरकारी रिजल्ट पे अपलोड किया गया है। और इस भर्ती में दोस्तों जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 13 जून 2022 से 12 जुलाई 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो मतलब 13 जून से जो है वो एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी हैं और 12 जुलाई 2022 तक आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आप इंडिया के किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, मेल या फीमेल जो भी हैं, आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फॉर सब इंस्पेक्टर SI पोस्ट मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है, फॉर कॉन्स्टेबल पोस्ट 18 से 25 साल है। ठीक है, तो ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों की ही वैकेंसीज हैं जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अगर आप कॉन्स्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 18 साल से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, और अगर आप SI के लिए दोस्तों अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज मैक्सिमम 30 साल से जो है वो कम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पोस्ट वाइज डिटेल दी गई है जो कि आप देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर SI टेक्निकल के लिए डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके पास में। उसके बाद में कॉन्स्टेबल टेक्निकल, तो कॉन्स्टेबल टेक्निकल की जो टोटल पोस्ट है वो 88 हैं, और अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लास 10th हाई स्कूल एग्जामिनेशन इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया आपकी जो है वो पास होना चाहिए, प्लस आपको दोस्तों ITI होना चाहिए। ठीक है, और 3 ईयर्स ट्रेड वर्क एक्सपीरियंस। इसी तरह से दोस्तों काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं जहाँ पर दी गई हैं, और इनकी जो मेल फीमेल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर BSF कॉन्स्टेबल एंड SI टेक्निकल फिजिकल एलिजिबिलिटी 2022। तो हाइट जो दोस्तों होगी आपकी मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट होगा दोस्तों मेल के लिए 75 to 80 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल है। रन फॉर SI एंड कॉन्स्टेबल पोस्ट के लिए 3.2 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी जो कि आपको 17 मिनट में क्लियर करनी होगी, और फीमेल के लिए यही रनिंग दोस्तों 1.6 किलोमीटर की होगी जो कि इन्हें 9 मिनट में क्लियर करनी होगी। ओके, चलिए आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 13 जून से आपकी जो है वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और 12 जुलाई तक आप इसमें एप्लीकेशन के लिए जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, स्कैन डॉक्यूमेंट, फोटो सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये आपको सभी जो है वो अपने ट्रेड के अनुसार अपलोड करने होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई भी डिटेल मुझसे पूछना चाहते हैं तो हमें आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।